दोनों में? मिस यूनिवर्सल 2023 ये ब्यूटी पेजेंट हम लोगों ने इस तरह से बनाया कि इसमें जो भी हमारे कंटेस्टेंट आएंगे उनको हम आगे तक न केवल प्राइजेस वगैरह तक ही देंगे बल्कि उनको एक कैरियर भी देंगे। इसके लिए हम लोगों ने इसके डिफरेंट स्टेट्स में ऑडिशंस भी किया, राइट फ्रॉम मुंबई, पुणे, बेंगलोर, पंजाब, दिल्ली, इन एवरी सिटी अबाउट द इन एवरी कैपिटल हम लोगों ने अपना इसका एक ऑडिशंस रखा। लास्टली हमने इसका ऑडिशंस SNDT कॉलेज में ओवर किया और उसके बाद हम लोगों ने इसका 13 तारीख को सेमीफिनाले भी किया। ऑल ओवर इंडिया से हम लोगों ने जो गर्ल्स लिए वो लगभग 60 थे, लेकिन सेमीफिनाले में हम लोगों ने 35 को सिलेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कुछ कम आए तो हम लोगों ने उनमें से अबाउट 20 को ही सिलेक्ट किया फॉर द ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड फिनाले में जो भी हमारी गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं इनकी एज ग्रुप 16 to 29 ईयर्स है और ये सभी काफ़ी सारे ट्रेनिंग देने के बाद काफ़ी सारे एग्जामिनेशन पास करके तो आज ग्रैंड फिनाले तक पहुंची हैं। आज ये ग्रूमिंग सेशन का दूसरा दिन है जिसके अंदर हम इनको वॉक की ट्रेनिंग, इनको टेबल एथिक्स, इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनको और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे हम इनको यहाँ पे ग्रूम करते हैं। आज हमारे बीच ब्लॉसम कोचर मैम एज अ गेस्ट हैं, वन ऑफ द चीफ गेस्ट टुडे। तो मैम भी अपनी फील्ड में एक बहुआयामी प्रतिभा की प्रतिभागी रही हैं अपने टाइम से। इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। एरोमा मैजिक के भी ये CMD हैं, इसके अलावा भी इनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सोशल और प्राइवेट लिमिटेड करके। वहाँ आज सबसे पहले हम लोग उनको अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे बीच आज अपना समय निकाला और आई। अब ग्रैंड फिनाले इसका जो है वो कल हम लोग द क्लब में कर रहे हैं। ग्रैंड फिनाले की जो मुख्य अतिथि होंगी वो महिमा चौधरी जी हैं। दूसरी हमारी जो मुख्य अतिथि और जज ज्यूरी में हैं वो ब्लॉसम कोचर मैम भी हैं। तीसरी हमारी सिने आर्टिस्ट मुग्धा गोडसे जी हैं। चौथी हमारी जो आर्टिस्ट हैं उसमें जोया अफरोज़ है जो कि आजकल की अपकमिंग स्टार हैं मूवी की। पाँचवीं हमारे बीच बैठी हैं शिल्पी इचुक जी, ये भी मॉडल और TV आर्टिस्ट प्लस ये वेब सीरीज़ वगैरह फिल्में भी करती हैं। इसके अलावा सिक्स जो हमारी फीमेल में वहाँ पे गेस्ट आर्टिस्ट हैं वो हैं सना सूरी। इसके बाद कुछ हमारे मूवी डायरेक्टर्स भी होंगी, म्यूजिक डायरेक्टर्स भी होंगे वहाँ पे ज्यूरी के अंदर। और इस शो को जो एंकर कर रही हैं वो अपने इस इवेंट के लाइन की सबसे ख्याति प्राप्त एंकर सिमरन आहूजा जी कर रही हैं। जो भी विनर्स होंगे हमारे वहाँ पे top 3 उनको हम लोग उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको हम TV में या वेब सीरीज़ में या उनको म्यूज़िक एल्बम में देंगे। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ उनकी प्रतिभा के अनुसार, कभी कभी होता है कि वो फर्स्ट आ जाते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है कि जो 3rd, 4th, 5th भी आते हैं वो एकदम डिस्क्वालीफाई हो गए। वो भी इस लाइन में काम में आते हैं आगे, उनकी अगर स्किल्स है, दे हैव दैट टाइप ऑफ स्किल्स, देन वी विल गिव द जॉब वर्क्स टू देम। उनका जो भी top 3 होंगे उनका एक 1 साल का एग्रीमेंट होगा कंपनी के साथ और उनको 1 साल के भीतर डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे उनकी स्किल्स पे। तो ओवरऑल इवेंट्स का ये प्रारूप है। इंग्लिश में बोलूँगा बोलिए ना। अच्छा सर, इस तरह के और भी शोज काफ़ी सारे होते हैं जी, जी तो और शो से और आपके शो में क्या डिफरेंस है? देखिए, और शो से और हमारे शोज में ये डिफरेंट है कि हमने पहली बार, शायद नहीं पता, लेकिन हमने कोई भी किसी भी कंटेस्टेंट से कोई ग्रूमिंग चार्जेस नहीं लिए। ग्रैंड फिनाले की कोई भी ग्रूमिंग चार्जेस नहीं है। इवन हम आउट स्टेशन के जो कैंडिडेट जिनके पास अगर अपने यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है उनको भी हम अपने 3 डेज उनको रहने की व्यवस्था भी की है, बाकी चीज़ों की भी की है। तो वी हैवंट चार्जेस एनी फी फॉर द ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग जो कि आजकल होता है जी। तो ऑल इंडिया से अपने ऑडिशन मुंबई में लिए थे या फिर ऑनलाइन ऑडिशन? नहीं, और जगह भी हमने ऑनलाइन भी लिया था, ऑनलाइन कम था, ग्राउंड लेवल पे फिजिकल पे हमारा ज़्यादा था।
लाइक हमने बॉम्बे में ही दो ऑडिशन लिए, बॉम्बे के अंदर में ही हमने, जैसे एक तो हमने आउटसाइड पीपल्स का अलग लिया, दैट इज़ इन अ क्लब, और SNDT कॉलेज का सब SNDT कैंडिडेट्स आ रही है उनके कॉलेज कैंपस में लिया, क्योंकि वो आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते। सेकेंडली हम लोगों ने पुणे में भी ऑडिशन कंडक्ट किए, पंजाब में भी ऑडिशन कंडक्ट किए, तो सभी जगह से जो क्रीम थे उनको हमने सेलेक्ट किया। सर आप क्या कहना चाहते हैं फैशन शो के, आप जज थे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कौन से चौक का जज? एक्चुअली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 23 ईयर्स। आई माई सेल्फ हैज बीन डूइंग ब्यूटी पेजेंट सिंस ईयर 2000। So my job is here to train and groom the girls, to build up their confidence and develop their personality. And so far, what I have to say about this particular pageant, Mr. Sanjeev and Mr. Yusuf really had put very hard to make this level, and it's a grand event. Our co-expertise who are putting their best to train these girls and bring them bring out the finesse out of them so that they can represent as a cosmopolitan models tomorrow in front of the jury and the media. Anything else? Ma'am, aap kya kehna chahte hain? Thank you so much. I'm here today to train my girls about the fitness and yoga, which is very important factor, which is very important part of your journey. If you are fit and fine, then you can give your best. So I have come to train them, give them basic few exercise before they go on the ramp, and they can have confidence in them, strength in them, and they might get few kind of nausea, headaches. So I'm here to give them few tricks to quick relief from their whatever disease if they have during that time. Moreover, they are very much confident, and this shows. It shows me today how much groomed they are, because I was there in the audition time also. Little nervous they are, but today I can see them. They are with the smiling faces, okay. And the few girls I know them during the audition time, so I can make out the change in them. So really, they have worked hard. The team over here, congratulate to the new girls. And all the best for the tomorrow show, though I will be there to cheer you up, but do your best. Thank you, sir. काफ़ी हार्ड वर्क रहा, क्योंकि हम लोगों ने ये नया टाइटल क्रिएट किया है, तो डेफिनेटली पीपल विल नॉट बिलीव इनिशियली दैट वी आर डूइंग समथिंग गुड, बिकॉज दे आर लॉट्स ऑफ फैशन शोज गोइंग ऑन एवरीवेयर, तो इसको बिलीव कराना भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है। दैट्स वाई हम लोगों ने काफ़ी मतलब आर्टिकल्स भी दिए, काफ़ी जगह पर एडवर्टीजमेंट्स भी दिए, और कोशिश की स्टूडेंट्स को भी कन्विंस करने के लिए कि जो हम कमिट करेंगे वी विल गिव यू, वी ट्राई टू गिव यू। फिर मैम जुड़ी और लोग भी जुड़े, तो लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि सम ब्रांड्स आर एसोसिएटिंग विद अस, सो मोस्ट प्रोबब्ली दे आर गोइंग टू डू अ बेस्ट। सो टेलिंग मैम अबाउट दिस शो, आई थिंक इट्स रियली गुड व्हाट मिस्टर संजीव एंड मिस्टर यूसुफ आर डूइंग, because I think what is very much needed with all the girls is that they need to be groomed to get confidence, and if they are groomed, they are taught well, and then they get confidence. The main thing is they have to have confidence, they have to know what to do, how to do it. That's a important item for all of them. Yeah, and what I feel is they need good posture, they need how to know how to smile, they need how to know how to walk and how to carry themselves, and that is something that will not just for the contest but for their whole life and for whatever they're going to do, whatever they're going to, whether they get married, whether they are taking up a job, whether they're going to be models, whether they're going to be actresses, it all depends on their confidence and what they do about it. And these shows like this really help them a great deal, you know. That's what I feel. तो भाई संजीव भाई जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे मित्र यूसुफ जी का और संजीव जी का, इन्होंने शो को सक्सेसफुल करने के लिए अपनी पूरी मेहनत,
पूरी लगन से ये काम किया है, इनकी वजह से इन बच्चों को फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करने मिलेंगी, काफ़ी जगहों पे सपोर्ट मिलेगा। मैं इन दोनों का धन्यवाद करता हूँ। स्पेशल थैंक्स मैं मैम का करता हूँ, जो इतना प्यार इतना सपोर्ट इन बच्चों को जो दिया है, जिस अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताते हुए मैम ने इतनी खूबसूरती से जो ये आपको गाइड किया है, मैं मैडम का दिल से धन्यवाद करूँगा। और सभी मेरे मित्र प्यारे दोस्तों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरा इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस यूनिवर्सल इज़ अ वेरी वेरी बिग पेजेंट व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। हम इस ब्रांड को बहुत आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि हमारा बेसिकली मेन मोटिव और विजन है, मेरा और संजीव भाई का, जो हमने पहले से बहुत टाइम से सोचा था कि एक कोई बड़ा पेजेंट को हम लॉन्च करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग अहेड विद दैट। आई रियली थैंक ब्लॉसम मैडम फॉर कमिंग ओवर हियर, शिल्पी मैडम फॉर कमिंग ओवर हियर, आई रियली अप्रिशिएट। दूसरे साथ में मैं सुनील जी का और मेलन जी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है बच्चों को ट्रेन करने के लिए, दिन और रात एक कर दिए इन लोगों ने। सो आई रियली अप्रिशिएट इवन द सपोर्ट टीम अबाउट द मेकअप एंड एवरीबडी, आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम एंड द ब्यूटिफुल बुके वॉट आई हैव ऑफ 20 ब्यूटिफुल गर्ल्स आउट ऑफ दिस। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड आई विश एवरीवन वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। ऑल द बेस्ट। Courage, confidence, success, and a beautiful life ahead in the world of glamour, Sasha. Entertainment, and the industry they are seeking to. Participate कर रही हैं, इन्होंने ही हमारे ये 20 beautiful अपनी जो contestant हैं, उनको gown provide कर रही हैं इसमें। इनका ये special design है जो यहाँ पे launch करेंगे। इनका काजल एटलियर के नाम से ब्रांड है, बाकी आगे काजल मैम खुद ही बताएंगे। और हमारे दूसरे मैडम हैं सोनम पाहूजा जी, जिन्होंने इनके स्पेसिफिक गारमेंट्स डिज़ाइन किए हैं बहुत ही कम समय में, और आज इनका फिटिंग वगैरह किया है। एंड टुमारो यू विल सी द वंडर्स हैपनिंग ऑन द रैंप, बिकॉज दे आर गोइंग टू लुक ऑसम विद द ब्लेसिंग एंड सपोर्ट ऑफ ब्लॉसम कॉचर्ड मैम एंड दीज वंडरफुल लेडीज। से थैंक्स टू देम। यस, हाई एवरीबॉडी, दिस इज काजल अग्रवाल, फाउंडर एंड द हेड डिजाइनर एट काजल सखिया, एंड इट्स अ प्रिविलेज। थैंक यू टू यूसुफ सर एंड संजीव सर एंड टू द एंटायर टीम ऑफ मिस यूनिवर्सल 2023 टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शो माई क्रिएटिविटी एंड टू डेक अप द गर्ल्स द फिनालिस्ट फॉर टुमारो। आई एम सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दीज गर्ल्स टू वॉक द रैम्प द रनवे and steal the show. The best thing about the designs for the finale gowns has been they're sensuous. They're going to be a color palette of wine, teal and black. It's going to be an ombre shaded gowns. The trials and fittings were conducted today and all the models were looking drop dead gorgeous. They've got a different confidence altogether, and I wish them all the very best from my end. सोनम जी, आप कुछ? हाय, माय नेम इज सोनम पाहूजा, आई एम फाउंडर ऑफ मूनलॉट बाय सोनम पाहूजा। सो आई हैव बीन वर्किंग एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर इन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 13 इयर्स। 2019 आई स्टार्टेड ऑफ विद माय ओन लेबल एंड आई वर्कड इन लैक्मे फॉर अदर डिजाइनर्स। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम शोइंग माय कलेक्शन ऑन रैम्प एंड आई लव यू सो मच गाइज, बिकॉज यू आर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शो माई कलेक्शन। आई एम होपिंग दैट वील रॉक इट ऑल टुगेदर। Looking forward for it. Really excited and happy. And best of luck to you guys as well and to me as well. Thank you. The garments have been specifically designed for them. We are doing the Indo-Western collection. And you will see the magic unfolding on the ramp tomorrow. Thank you. 23 years and is a successful and a very creative choreographer we have. And it's really honored to have him on board. Say something. एंटायर टीम, संजीव जी की और यूसुफ जी की, और स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ ब्लॉसम मैडम जी का, जिन्होंने एक बहुत कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे शरीक हुए हमारे इस ब्यूटीफुल इवेंट में। सुनील जी का, जो यहाँ पे ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर हैं, जो कॉन्टेस्टेंट को ग्रूम कर रहे हैं बहुत दिल से और बहुत शिद्दत से, मोहब्बत से।
मेरा एक कैटवॉक ट्रेनर का इसमें पार्ट है, आई एम डूइंग कोरियोग्राफी एंटायर द इवेंट। इसमें टोटल 5 सीक्वेंस हैं। फर्स्ट इज फैशन प्रेजेंटेशन राउंड, सेकंड इज इंट्रोडक्शन राउंड, थर्ड इज क्वेश्चन आंसर राउंड, फोर्थ इज कॉमन क्वेश्चन आंसर राउंड एंड फिफ्थ लास्ट वन इज ग्रैंड फिनाले अवार्ड सेरेमनी राउंड। दीज 5 राउंड्स होने वाले हैं कल शाम को 6 बजे के बाद। सर 6 बजे के बाद शो में, तो ये बैक टू बैक चलेगा, बीच में फिलर्स वगैरह भी होंगे। तो हमारे ये स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है और दिन रात एक किया है, am I right? तो मेरी तरफ से आप सबको ब्लेसिंग और हमारी इंटायर टीम की तरफ से आप सब विनर हो, जैसे मैडम ने कहा कि सब विनर हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं शो की प्रोडक्शन की को-डायरेक्टर हूँ सर के साथ भी। सर मैम कैमरा लो, सामने कैमरा। हेलो हेलो एवरीवन, मैं शोति प्रोडक्शन की को डायरेक्टर हूँ, संजीव सर और हम पार्टनर हैं दोनों इस कंपनी के। तो मैं सभी गर्ल्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, सभी ब्यूटीफुल है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विद्या लाटे कांबळे, आई एम नेशनल ग्रूमर फैशन कोरियोग्राफर मिसिस वेस्ट इंडिया यूनिवर्स 2021 विनर एंड पैजन कोच। यस, इस इवेंट के लिए संजीव सर ने मुझे यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए, थैंक यू सो मच संजीव सर एंड यूसुफ सर एंड सिया मैम। तो इस ये जो इवेंट है मिस यूनिवर्सल 2023 इंटरनेशनल, तो इस इवेंट मुझे एसोसिएट डायरेक्टर के लिए यहाँ पे अपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सबका मन से एकदम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सभी गर्ल्स के लिए करती हूँ कि कल जो इवेंट होने वाला है वो एकदम रॉकिंग होने वाला है, सब लड़कियां जो है वहां पे फायर करने वाली है। ऑल द बेस्ट ऑल गर्ल्स।